हेलो बच्चा लोग, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 108 क्या है। आर्टिकल 108 जो है ना, कुछ दशाओं में दोनों सदन की संयुक्त रूप से बैठक, जिसे हम बोलते हैं अधिवेशन। अब अधिवेशन का जो कानून है वो कहाँ से आया? अधिवेशन का जो कानून है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अब जो हमारा ये कुछ दशाएं जो हैं, यहाँ लिखा है कुछ दशाएं, इनमें क्या होता है? जब कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जो दोनों सदन होते हैं उनको अधिवेशन पे बुलाया जाता है, और बुलाता कौन है? माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत के प्रथम नागरिक जो प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकती हैं कुछ दशाओं में। वो दशाएं क्या हैं, आओ जान लेते हैं। विधेयक एक सदन में पारित हो गया। कोई विधेयक है, जैसे कोई बिल है, वह विधेयक एक सदन में पारित हो गया यहाँ तक, और दूसरे सदन में रह गया, वहाँ पारित नहीं हुआ। अब माना कि ये हमारा संसद है, यहाँ पर लोकसभा है और राज्यसभा है। कोई विधेयक है लोकसभा में पास हो गया, और दूसरा सदन हो गया राज्यसभा, वहाँ पर रह गया, या तो राज्यसभा में पास हो गया लोकसभा में रह गया, ये एक कंडीशन पैदा हो गई वहाँ पे। तो कोई विधेयक एक सदन में पारित हो गया, दूसरे सदन में रह गया, वापस चाहे लोकसभा से शुरू हो चाहे राज्यसभा से शुरू हो, है ना, ये कंडीशन बन जाती है। फिर क्या सेकंड कंडीशन क्या है? विधेयक पर अंतिम रूप से दोनों सदन असहमत हो जाएं। विधेयक पर अंतिम रूप से दो सदन असहमत हो जाएं, ये दूसरी कंडीशन। दूसरे सदन में विधेयक पास हो जाए और पारित जो हमारा होगा वो पारित हो जाए, और जो हमारा पहला सदन होगा उसमें चला जाए, या तो दूसरे सदन में विधेयक पास हो जाए और पहले सदन में पारित होने के लिए चला जाए, वहाँ पर 6 माह से ज़्यादा उस विधेयक को लटका दिया जाए, मतलब बिल को लटका दिया जाए, पास ना किया जाए। अब जैसे हमारा लोकसभा है, इस सदन में बिल पास हो गया, और राज्यसभा में 6 माह के लिए पेंडिंग कर दो, उस समय कंडीशन हमारी तीसरी सिचुएशन कंडीशन उपस्थित हो गई। चौथी कंडीशन क्या है? लोकसभा में विधेयक भेजा जाए और लोकसभा भंग हो जाए। कोई विधेयक राज्यसभा से लोकसभा में भेजा गया और लोकसभा भंग हो गई, है ना, फिर क्या होगा? राष्ट्रपति एक संदेशा भेजेगा एक निश्चित तारीख के साथ, ये लिखा है निश्चित तारीख के साथ, कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हो, और जो विधेयक पिछले 6 महीने से आप लोगों ने फंसा रखा है, ये सब क्या बवाल मचा रखा है, एक विधेयक है, जांचो परखो जनता की भलाई के लिए, तो पारित करो, लटका के क्यों रखा है भाई साहब? तो दोनों सदनों को फटाफट संदेशा देगी, आहूत करेगी, है ना, धड़ाधड़ राष्ट्रपति महोदय ने बुलाया, थका थक मैसेज आया, लेटर गया, सब पहुंचे, भाई साहब क्या हो गया? तब उन्होंने कहा कि जो विधेयक आपके पास आ रखा है लोकसभा से आए चाहे राज्यसभा से आए, उस पर डिस्कस करो, वार्तालाप करो, कोई कंडीशन है तो बताओ, उसको संशोधन देना है संशोधन दो, लेकिन इस विधेयक को पारित करो। तो उस विधेयक पर चर्चा होगी वहाँ पे संसद में, राज्यसभा अपना पक्ष रखेगी, लोकसभा अपना पक्ष रखेगी, जब दोनों सदन वहाँ सहमत हो जाएंगे तो विधेयक को पारित कर दिया जाएगा, या तो उस विधेयक को लटका दिया जाएगा, और उसमें बोला जाएगा कि ये कंडीशन जो है यहाँ पे ये थोड़ा गलत है, इससे दंगा भड़क सकता है, अराजकता फैल सकती है, तो इस विधेयक में जो थोड़ा सा संशोधन है वो कर दो, फिर हमें पारित करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर संसद उस पर विचार करेगी, यार बात तो सही कह रहा है, ऐसा हो सकता है। तो वहाँ पर वो सारी कंडीशन देखते हुए जब वो दोनों सहमत हो जाएंगे तब उस विधेयक को पास कर देंगे। लेकिन हमारा मुद्दा पास करने का नहीं है, हमारा मुद्दा है कुछ दशाओं में दोनों सदन की संयुक्त बैठक कब बुलाते हैं हम। तो आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा, तो आप बताओगे दोनों सदनों का अधिवेशन तब होता है जब कोई विधेयक एक सदन में पारित हो जाए दूसरे सदन में पेंडिंग रह जाए, या विधेयक पर अंतिम रूप से दोनों सदन असहमत हो जाएं, कोई राजी ना हो कि अब नहीं हम पास करेंगे, तुम जाओ यार घूम जाओ अपने घर,
सदन उदन भंग हो जाए सब, है ना। तीसरे में क्या है कि दूसरे सदन में विधेयक को पारित करने के लिए भेज दिया जाए और 6 माह के लिए पेंडिंग हो जाए और लोकसभा भंग हो जाए उस समय जब विधेयक लोकसभा में राज्यसभा से भेजा गया हो, तब राष्ट्रपति एक संदेशा भेजता है किसी निश्चित तारीख के साथ, आप दोनों आओ अधिवेशन करो और वार्तालाप चर्चा करो। ये आर्टिकल 108 कहता है। जो अगर आपको हमारी बात समझ में आई चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और लोगों को भेजें, और आगे हम आर्टिकल 109 और 110 भी पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। आर्टिकल 395 IPC एविडेंस एक्ट लॉ के कुछ सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार।